नमस्कार, मैं हूं दिनेश यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास कार्यक्रम वोटर बसबाला। आज हम बात कर रहे हैं विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र की, जो काफी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट मानी जाती है। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेताओं ने नेतृत्व किया है। एक बार फिर लोकसभा चुनावों में बात किया है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा मैदान में है। आइए जानते हैं वोटर बसवाला के तहत क्या है विदिशा रायसेन लोकसभा सीट पे वोटर की राय। चलिए मेरे साथ। लोकसभा चुनाव का रण यहाँ पर चल रहा है और बात करें हम विदिशा रायसेन लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर 7 तारीख को कहीं ना कहीं मतदान होना है, 7 मई को। और न्यूज 18 का खास कार्यक्रम वोटर बसवाला के तहत हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर विदिशा और रायसेन लोकसभा सीट को लेकर। यहाँ पर सबसे बात ही कर लेते हैं एक बस में जिस मौजूद होंगे ड्राइवर से, जिस तरह की बात की जाए लोकसभा चुनाव यहाँ पर आ गया है और मतदान यहाँ पर होने वाला है, शुरुआत होने वाली पहले चरण की, फिर 4 चरणों में मतदान होना, क्या कहना आपका? जो भी बने सरकार, अच्छी सरकार होनी चाहिए, सबके लोग में हक में चलना चाहिए। ये निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ और मतदाता भी यहाँ पर मौजूद, उनसे बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से बात की जाए लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से बात की जाए, गृहिणी जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो क्या चाहती हैं आने वाली सरकार को लेकर बात, क्या करके? मैं चाहती हूँ कि फेयर हो, जो भी काम हो फेयर हो। बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ हों। और आज जैसे हमारी ये बस बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए उस चीज़ को लेके। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा प्रायर सुविधाएं हो लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए भी ऐसा नहीं है, बट ये सब चीजें ज्यादा फैसिलिट हो तो अच्छा होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर बात करें हम लोकसभा चुनाव को लेकर, तो यहाँ एक और भाजपा वहाँ दूसरे कांग्रेस है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी चल रही है उसको लेकर मतदाताओं का क्या कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम बात करें या कांग्रेस की बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर जैन है। क्या कहना लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर मेरा ये कहना है कि जो भी चुनाव हो प्रॉपर रूप से कंप्लीट हो, और जनता जिसको भी चुनना चाहती है सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे से चुनाव संपन्न हो, और जो भी जिसका भी जो भी मत है, जिसके जो भी विचार है वो व्यक्त करके और उसके अकॉर्डिंग वो सरकार चुने। जिस हिसाब से ईवीएम का भी सवाल उठ रहा था, विपक्षी लोग ईवीएम का सवाल उठाते हैं, सर वो तो चलता रहता है, राजनीति है ये, तो उसमें जो जीत गया वो कोई सवाल नहीं उठाएगा, जो हार गया वो सवाल उठाता है। कैसी सरकार हो, कौन से मुद्दे हो जिसको लेकर सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए? मुद्दा सिर्फ यही होना चाहिए कि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों का जो जो आजकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, खाली बातें ना हो। खाली बातें होती है चुनाव के टाइम पे, उसके बाद में कुछ होता नहीं है, तो उस पर फोकस करना चाहिए। निश्चित रूप से बड़ा सवाल यही है कि चुनाव के समय तो तमाम तरीके दावे वादे होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बताया कि चुनाव के बाद लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और क्या कहना है साहब का? चुनाव के लेके लोगों की जो पहले जो सोच थी 14 से पहले कि 14 के बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और अभी तक वो जमीनी स्तर पर अभी तक दिखाई नहीं दिया है, और ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है। जिस मुद्दे को लेके मोदी जी आगे आए थे वो अभी तक जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर वो चेंज होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही चल रहा है जैसे कांग्रेस चल रही थी वैसे बीजेपी चल रही है, फर्क क्या पड़ रहा है? लोकसभा के चुनाव के पहले हम बात करें तो राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा है और 370 का मुद्दा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे है और कांग्रेस को कहीं ना घेर रही है। देखिए, अगर राम मंदिर हुआ या 370 हुआ, ये मुद्दा बहुत पुराना था, वो कानूनी कार्रवाई से चलता रहा, होता रहा, हुआ ठीक है, ये कोई नहीं बोलेगा कि वो गलत है, कानून के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक था। 370 का मुद्दा भी अगर सभी लोग अगर समझ सकते हैं, उसमें से सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल हटा हुआ है, 300 मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है। जो सरकार बोलती है कि मुद्दा चेंज हो गया है, मगर अगर सही में कोई अगर उसको समझे या पढ़े तो वो तभी समझ में आएगा। ये सिर्फ धकोसलेबाजी बोली जा सकती है, मगर ज़मीनी स्तर पर उसको अगर देखा जाए तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मेरे हिसाब से चेंजेस दिखना चाहिए, आप भी अगर समझते हो मुद्दे के हिसाब से, तो चेंजेस कहाँ दिखाई दे रहा है, मंदिर में या 370 में? 10 साल हो गए, क्या चेंजेस दिखाई दिया है? मोदी जी अभी भी प्रधानमंत्री है, शायद फिर से बने, मगर ज़मीनी स्तर पे क्या लोगों को बेनिफिट हो रहा है अभी तक कोई बता ही नहीं पा रहा है। अगर कोई बोले कि एम्प्लॉयमेंट बढ़िया है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ बढ़ा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं वर्तमान की स्थिति हम बात करें तो किस हिसाब से जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है लोकसभा चुनाव को लेकर, इसी पर हम खास चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज के जो समय में जिस हिसाब से आज का जो दौर चल रहा है, राम मंदिर की बात हो जाती है, 370 की बात हो जाती है, लेकिन वर्तमान समय में जिस स्थिति में आम नागरिक है, जो मध्यम वर्ग का परिवार है, वो क्या चाहता है सरकार को लेकर? मध्यम वर्ग का परिवार या
कोई भी हो, सबका मुद्दा यही है कि उनको जॉब मिलना चाहिए, उनकी जो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। मंदिर बना ये बहुत अच्छी बात है, 370 हुआ ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उन लोगों के प्रॉब्लम है उस पर फोकस किया जाए, खाली बात की ना जाए। बस के सफर के जरिए हम यहाँ पर मतदाताओं के मन की बात यहाँ पर टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने देखा है तमाम तरीके के जो मतदाता हैं वोटर बस वाला के तहत अपनी अपनी यहाँ पर राय न्यूज 18 के माध्यम से दे रहे हैं। जल्द हम किसी और दूसरी बस में यहाँ पर चलेंगे और जानेंगे वोटर बोलता है के तहत क्या है विदिशा रायसेन लोकसभा सीट से मतदाता की मन की राय। जो वोटर बस वाला है उसके तहत राय ले रहा है मतदाता की, क्या लोगों की राय है लोकसभा चुनाव को लेकर। बात करें हम 7 मई को यहाँ पर तीसरे चरण को लेकर यहाँ पर मतदान यहाँ पर होना है विदिशा रायसेन लोकसभा सीट की। यहाँ शिवराज सिंह चौहान एक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तौर पर, तो वहीं प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस से मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद जिससे बात की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जन पटेल है जी। क्या कहना चुनाव को लेकर? ठीक है, अच्छी बात है, चुनाव हो रहा है, बिजली पानी सब चीज़ें का विकास, परिवहन, शिक्षा, अच्छी पढ़ाई, अच्छी अच्छे विद्यालय हों, यही सब। कुछ और यहाँ पर मौजूद है लोगों से जाते, अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या चाहते, कैसी सरकार हो? सरकार अच्छी हो और कैसी हो। कुछ महंगाई क्यों हो रही, सत्ता यही सबका कमा पे थे, पहले 200 रुपये तन का, 150 रुपये तन का, अब 400 रुपये हो गई, 500। न्यूज 18 का खास कार्यक्रम के तहत हम यहाँ पर मतदाताओं से यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मतदाता वोटर बसवाला के तहत। क्या कहना चुनाव आ रहा है? चुनाव अच्छा आ रहा है, बीजेपी जीतेगी। कैसी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की सरकार चाहते हैं हम तो, मोदी सरकार। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। क्या काम है मोदी जी के? बहुत अच्छे काम है, बहुत अच्छे काम है। काम ये हमारे रोड बनवा दिए, लेटरिंग बनवा दी, घर मकान दे दिए हमारे लिए रहने के लिए, और कहते ये बहुत है। क्या नाम तुम्हारा ये? गोलू। क्या कहना चुनाव को लेकर? यही बीजेपी आनी चाहिए, मोदी जी को आनी चाहिए जी, उन्होंने सभी काम करवाया अच्छे से। युवाओं के लिए कौन से काम हो यहाँ पर होने चाहिए? सभी होने चाहिए, रोड बनवाई दिए और पानी पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए सभी जगह। कैसी सरकार चाहते हैं आप? यही मोदी जी की उम्दा चल रही है। इस हिसाब से देख रहे हैं आप यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर, यहाँ पर बड़ा जोर शोर से यहाँ पर माहौल चल रहा है, और कैसी सरकार चाहते हैं आप? और हम बात कर रहे हैं विदिशा या रायसेन लोकसभा सीट की, तो कैसा सांसद यहाँ पर होने चाहिए? तमाम यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान जैसे, कितना विकास देख पा रहे हैं? नहीं, विकास तो अच्छा है अपनी, यह सही है, लेकिन अभी जो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो ना, और जैसा भी आप बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी की वो है लहर, तो अब जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं उसके बाद अब सांसद पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका वो आ गया है इस समय, और उन्होंने जो मुख्यमंत्री पद में जो उन्होंने अनुभव रहे उसको सांसद बनकर वो आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कुछ और मतदाता हैं मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर कैसी सरकार चाहते हैं आप लोकसभा चुनाव आ रहा है? सब बढ़िया काम चल रहा है अभी तो बीजेपी का, और अब की बार 400 पार वो फिर से मोदी जी को जाएंगे हम, तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है सब। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है और विदिशा रायसेन सीट पे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं, कितनी उम्मीद है शिवराज सिंह मुख्यमंत्री भी रहे हैं? हमें तो उम्मीद नहीं है, हम तो कांग्रेस ही। अच्छा, तो कैसे काम होने चाहिए? ये कोई काम होते हैं क्या? ये तो सब लोगों को गुमराह कर रहा है, घोटाले बाज है, झूठे, झूठी सरकार है, झूठे वायदे करती है। राम मंदिर की बात करें, 370 मंदिर क्या उनने बना दिया क्या? राम मंदिर का इतना पैसा है कि पूरी सरकार को खिला सकता है राम मंदिर, वो राम मंदिर में उनने क्या करा, उनको राम मंदिर का खा और गए, राम मंदिर का उनने बनाया गया, राम मंदिर का पैसा और खा रहा है लूट लूट। अच्छा, बात करें हम विदिशा रायसेन लोकसभा सीट की, तो कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता रहे हैं, शिवराज जी फिर मैदान में हैं, कितना विकास हुआ सीट का? कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठे वादे हैं, सब झूठे वादे, कह रहे थे 3000 देंगे, कितने महीने हो गए, वही 1250 ये जीते कि वो खत्म। गेहूं पे भी बोनस बोला, गेहूं पे 2600 बोला था, 2400 खरीदा, धान पे भी बोला था 2800 खरीदेंगे, वो भी वहीं के वहीं है, कुछ नहीं है, सब झूठी सरकार है। क्या चाहते हैं आप, कैसी सरकार हो, महंगाई है कि नहीं है? हैगी महंगाई तो जी। क्या असर पड़ता है महंगाई से? महंगाई इसका बहुत असर पड़ता है महंगाई से जी। और महिला क्या चाहती नहीं सरकार से, कैसी सरकार हो? सरकार क्या, मोदी जी को जी, मोदी को आना चाहिए। कुछ और यहाँ पर मतदाता, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा चल रहा है कि देखो स्वर्गीय राम देसराज सिंह यादव सिंधिया जी जब पहली बार चुनाव लड़े थे जी,
उनसे उनका मुकाबला हुआ था, और सिंधिया जी अब बीजेपी में आके पहली बार बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बेटे से मुकाबला जी है? मुकाबला मेरे हिसाब से रहेगा सर 15-85, क्योंकि क्या होता है कि राजा राजा होती है और प्रजा प्रजा होती है, तो यादवेंद्र जी हैं, पर वो क्या है कि एक क्षेत्र के, और सिंधिया जी एक पूरा वो देखे हुए हैं अपना संभाग, तो मैटर करेगा वहाँ पे, बाकी फिर जनता का मत है कौन कहाँ दे दे। अच्छा, महंगाई वगैरह वो मुद्दे क्या है आजकल के समय बात करें तो, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे वादे करती है, तमाम दावे करवाती है, जनता क्या चाहती है? वो 15 लाख वाली बात याद आती है यार, अभी तक आए नहीं, पैसे में इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन जब तक नहीं आएंगे ना बीजेपी का साथ जरूर नहीं छोड़ूंगा, जब तक 15 लाख खाते में नहीं आएंगे ना मेरा वोट बीजेपी को ही जाएगा, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अदर लोगों से भी ले सकते हैं। जनता की मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे जनता के सुख शांति से जीवन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर जनता को महंगाई देख रही है तो जनता को ये भी देखना चाहिए कि आय के जरिए बढ़ चुके हैं। एक समय था जब प्राइवेट सेक्टर में भी 6,000 में जॉब मिलती थी, आज की डेट में स्टार्टअप ही RBI ने 11,900 रुपये से कर दिया है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस लाइन में हो, किस लाइन में क्या वर्किंग कर रहे हैं। क्या करते हैं किसान? मेहनत मजदूरी करते हैं। तो आजकल मेहनत मजदूरी में जो घर परिवार चल जाता है, चलता है? नहीं चल पाता साहब, बहुत महंगाई है, कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ, उतनी लेबर भी नहीं मिल रही, उतनी मजदूरी भी नहीं मिल रही साहब। हाँ, बहुत परेशान है, ठंडा है माहौल, हालांकि गर्माई भी चल रही है, देखते हैं नतीजा आने के बाद ही कुछ बता सकते हैं, अभी तो वैसे एग्जिट पोल तो है नहीं कुछ भी, देखते हैं समय आने पर कैसा बनता है माहौल। कांग्रेस नहीं आ रही, मोदी आ रही अब तो। और क्या है सब मोदी, इस हिसाब से भी बात किया, लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं? बदलाव क्या, यहाँ तो अब एक तरफ ही लग रहा है, यहाँ की पब्लिक तो वैसे ही फूल खिलाती आई, तो क्या उम्मीद करेंगे आप? लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या कहना है? कुछ नहीं, बस दिक्कतें हो रही हैं यही, और कुछ नहीं। चलिए, कुछ और मतदाताओं से हम यहाँ पर राय लेते हैं कि काफी बस यहाँ पर भरी हुई है, खचाखच, और युवा क्या चाहते हैं अगर बात किया यहाँ पर लोकसभा चुनाव आने वाला, सरकार से क्या चाहती है? युवा क्या चाहेंगे, जो मोदी है सो है, बस शिक्षा है तो वो भी चल रही है एक नंबर अभी अपनी। तो शिक्षा की बात करें, शिक्षा को लेकर क्या है, क्या कमियाँ हैं, क्या और अच्छा होना चाहिए? नहीं, कमियाँ तो वैसे हमको कोई नहीं आई समझ में, बस थोड़ी सी दिक्कत होती है कोचिंग वगैरह में, जो अपनी अपनी प्राइवेट चलाते हैं ना उसमें थोड़ा प्रतिबंध लगे। चुनाव आ रहा है, क्या कहना चुनाव को लेकर? चुनाव बढ़िया, मोदी जी प्रधानमंत्री जी ठीक है, और सबसे सिर्फ एक शब्द नहीं है रायसेन जिले में। चुनाव वोट देंगे नहीं देंगे? वोट देंगे नहीं, तो क्या देख कर देंगे वोट? अरे जो कोई काम करेगा उसको देंगे, कि जो काम सरकार की तरफ से फ्री होता है, जो जिसकी निःशुल्क फीस होती है वो अपन देने के बाद क्या और पैसा देना पड़ता है क्या? कोई भी काम हो सर, जैसे कि मैं मतलब बोलूंगा नहीं, तो इसके लिए अपन को कोई और पैसा अलग से देना पड़ता है क्या सर? क्या करते हैं आप? सर मैं कुछ नहीं, मैं ड्राइवर हूँ सर एक। जी सर, तो मेरे घर वाले जो हैं गांव पे रहते हैं सब, पूरे लोग, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले रहा था मैं। अभी जो जिस हिसाब से ड्राइवरों का एक कानून आया था उसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ था, क्या कहना उसको? सर ये कानून बहुत गलत है सर, आप कभी भी ध्यान रखें कि लोग रोड पर चलते हैं ना सर, तो आप इतनी बड़ी गाड़ी देखने के बाद भी नहीं हटते, और ऊपर से अगर कुछ गलती हो जाए ना तो सर मारते अलग हैं, मतलब ये बारी ये कहानी है सर ड्राइवरों की। क्या कहना है यहाँ पर चुनाव आने वाला? कुछ नहीं, वोट डालेंगे, जो काम अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। अभी तक क्या अच्छा लगा सरकार को, आपने कौन से काम अच्छे लगे और क्या करने चाहिए? सभी काम अच्छे कर रहे हैं और आगे अच्छे करें, इससे अच्छे और भी करें। कुछ लोग यहाँ पर हैं और मौजूद हैं, बातचीत करने उनसे बात करते हैं, जिस तरीके से बात की जाए, क्या कहना है? लोकसभा चुनाव आया, अभी एक तरफ प्रधान नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस है जी, जो काम अच्छा करे उसे जनता समझ के वोट दे, और क्या? युवाओं के लिए क्या चाहते हैं? युवाओं के लिए रोजगार मिले, रोजगार के लिए अवसर दिए जाए, उन्हें इंडस्ट्री खोली जाए, मतलब ऐसे अवसर मिलना चाहिए कि रोजगार की स्थिति क्या है अभी? रोजगार की क्या स्थिति है अभी? बहुत खराब स्थिति है अभी तो, कुछ नहीं है, सिलवानी के रहने वाले हैं अपन, अपने पास तो हो जाइएगा, खुद का करते हैं, कमाती हैं बस, और वोट आप देखेंगे, जो सरकार काम अच्छा करेगी उसे वोट देंगे। तो जो सरकार अच्छा काम करेगी मतदाताओं का कहना है उसको हम वोट देंगे। यहाँ पर कुछ और मतदाता हैं साथ में, उनसे हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आप करते तो जो कोशिश ठीक है, काम करता हूँ, क्या जाते हैं धंधा कर रहे हैं थोड़ा बहुत। किसान भी है क्या?
वोटर बस वाले के तहरा आप देख रहे हैं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में। विदिशा और रायसेन लोकसभा सीट के मतदाताओं की राय न्यूज 18 में यहाँ पर बातचीत कर रहा है अलग अलग मतदाताओं से कि क्या है उनका लोकसभा चुनाव को लेकर हाल। जल्द ही हम फिर किसी दूसरी बस में यहाँ पर मतदाताओं के मन की बात टटोलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।